अभी हम लोग ये वाला डिजाइन बना रहे हैं, तो इसके लिए एक ब्लैंक पेपर ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पर सब हेडिंग नहीं हेडिंग उठाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं एल, इसको करूँगी मैं कैपिटल और यहाँ पे फॉन्ट चेंज करूँगी, फॉन्ट मैं लिखूँगी ये वाला, हाँ ये वाला मैंने फॉन्ट यूज किया। इसके बाद इसका साइज करूँगी मैं बड़ा और इसको एकदम साइड में लगा दूँगी। उसके बाद हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पर मैं एडिट कर लूँगी इस एल को और यहाँ पर इससे एडिट करके मैं यहाँ जीरो लिख दूँ यानी ओ लिख दूँगी एंड इसको एल के पकड़ में लगाऊँगी। बस इतना ही नहीं, इसमें इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर सेटो डालेंगे, इसका ऑफ फिट टेलेक्शन ब्लर ट्रांसपेरेंसी सब कुछ चेंज करेंगे। मैं ऑफ फिट 25 लग रही हूँ, टेलेक्शन मैं देख लेती हूँ कि कितना अच्छा लगेगा, ब्लर मैं कम लग रही हूँ 5 लग रही हूँ और ट्रांसपेरेंसी में 100 कर दी, नहीं मैं ट्रांसपेरेंसी कम ही लगी हूँ 50 के अलाउंड। और यहाँ पे मैं जो कलर है वो चेंज करूँगी, कलर मैंने ब्लैक रखा है अभी बट मैं अब वाइट कर दी एंड इसको ये जो वाइट वाला सेटो है ये एल के ऊपर आना चाहिए। इस तरीके से मैं लगाऊंगी ओ एल को एक साथ, तो मैंने ऑफ फिट लिखा है 25, टेलेक्शन मेहनत इतिथली पलर 2 और ट्रांसपेरेंसी 82। इसके बाद उसी चीज़ों को डुप्लीकेट करेंगे तो इधर लगेंगे, तो उसमें जो मैंने सेटो इफेक्ट आया था सेम इधर भी आ जाएगा। अब ये पूरा पेज फर गया है, सेलेक्ट मल्टीपल करके तीनों को चूज कर लेंगे, ग्रुप कर देंगे और तीनों को एक साथ छोटा कर लेंगे और अब हम अनग्रुप करेंगे, ओ को डुप्लीकेट करेंगे और इधर लगाएंगे और इसको एडिट करके सी लिखेंगे क्योंकि मैंने डुप्लीकेट किया है तो इसका भी सेटो इफेक्ट इसमें आ जाएगा। तो ये बन गया।